मौजूद हाजरीन असातिज़ा इकराम और मेरे मुख्तर तालिबिल्लों अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है असबाबे ज़ुहूरे पैगंबर। मौजूद सामने जब से इंसान को सजदा करवाया गया और शैतान लैलों मरदूद ठहरा, तब से इसी शैतान ने इंसान को भटकाने का अज़्म किया हुआ है। एक तरफ तो यही लैलों रजीम शैतान है जो कि अपनी तमाम खुदालात सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए माशरे के जुजियात में बिगाड़ का बायस है, तो दूसरी जानिब जब भी जुल्मों तशद्दुद और बर्बरियत का तूफान आलम इंसानियत पर अपना कहर तोड़ता है तो अल्लाह ताला अपने फजल व करम से माशरे के बिगड़े हुए लोगों की इस्लाह और तरबियत के लिए अंबिया को मबऊस करता रहा। इन अंबिया के सबूर न सिर्फ माशरे की इस्लाह थी बल्कि ये माशरे को जुल्मो बर्बरियत से पाक करने में अपनी जात से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा पर राजी रहे और अपनी जाने तक गवा दी, मगर शैतान की फिर भी तसल्ली नहीं हुई और दर्द बढ़ता गया और जो जो दवा की और फिर एक दौर आया जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच गया। झूठ का बाजार हर तरफ गर्म था, लोग जरा जरा सी बातों पर कदम करने से भी गुरेज ना करते, चीखती चिल्लाती बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता, एक महबूब के बजाय कई कई पत्थर के खुदाओं की पुरस्तिश की जाती, यतीमों और नादान मसाजी के जानों मान महफूज ना थे, बैतुल्लाह का बहिना तवाफ किया जाता और जिसे चाहते बैतुल्लाह की हदूद में दाखिले की इजाजत देते और जिसे चाहते उसे जलील और रुसवा करके हरम की हदूद से निकाल बाहर करते। और अल्लाह के घर में कई कई बुत रखे गए थे, हर कबीला अपने बुत की पूजा करता, रिश्वत लेना जायज समझा जाता था, जरा सी रकम के तौरातो इंजील की आयात को तब्दील करके अपनी मर्जी का रंग दिया जाता, तवाजुल मलूकी के इस दौर से कोई भी रुशन महफूज न थी। फिर जी हम मौजूद सामने फिर रबेजुल जलाल की जात को जलाल कैसे लाता, रबेजुल जलाल की जात बबरकत को जलाल आया और उसने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर भेजने की तैयारियां शुरू कर दी। कायनात के जरे जरे में खुशी की लहर दौड़ गई और जिस सामीन ये थे वो जमीनी हकाइक जिनकी बिना पर इस कायनात के मालिक ने दुनिया को बदी से पाक करने का फैसला किया। और फिर हम जानते हैं और फिर रबीउल अव्वल की एक सुबह हम जानते हैं कि सारे आलम को नूर से नहला दिया, बाबे हरम से कैसर और किसरा के महलात नजर आने लगे, ईरान के शाही आतिशकदे में जवान हजारों सालों से रह गई और लोग इसकी पूजा किया करते थे, वो यक बुझ गई और बजने हस्ती ने देखा कि अब्दुल मुतलिब के घर एक यतीम बच्चे की विलादत